हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम पास पर। गाइस, मैं आपका जी एजुकेटर वैभव आप सभी का स्वागत करता हूँ। सॉरी गाइस, कल रात वाले सेशन निकल ना तो करंट अफेयर हो पाया, ना तो रात वाला सेशन बैंकिंग अवेयरनेस हो पाया। सो कल रात वाला जो सेशन है बैंकिंग अवेयरनेस का बेटू, वो आज रात में होगा। गाइस, आज करंट अफेयर आपका रिकॉर्डेड सेशन होगा। सो गाइस, जो लोग हमारे नए दोस्त हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस सेशन को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी और आप इस चीज़ के लिए आपके क्लासेस हैम्पर होती। सो इसलिए गाइस, हम रिकॉर्डेड सेशन लेके आ रहे हैं एंड फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बेटू। आज आपकी एक डेली करंट अफेयर, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, डेली करंट अफेयर आपके सुबह 8:30 बजे और बैंकिंग करंट अफेयर स्टैटिक गाइस रात के 9 बजे आते हैं। सो बेटू, डेली लाइव आना ना भूलो। आज रिकॉर्डेड सेशन है इसलिए नहीं लाइव आ पा रहे हैं गाइस, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है बेटू, सुबह 8:30 बजे और रात के 9 बजे। बेटू आज रात में, आज यानी कि आज रात का जो सेशन होगा वो होगा बैंकिंग अवेयरनेस का। बैंकिंग अवेयरनेस बेस्ड ऑन करेंट इवेंट, बैंकिंग अवेयरनेस बेस्ड ऑन करेंट इवेंट या करेंट अफेयर्स। गाइस आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं जो करेंट अफेयर के ऊपर बेस्ड होते हैं बैंकिंग। सो बेटू आज रात में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने नेशनल न्यूज़ राष्ट्रीय समाचार के ऊपर से। पहला क्वेश्चन है, आज कोई प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हम गाइस। पहला क्वेश्चन आपका ये कर्नाटका स्टेट से है, क्या है? विजयनगर कार्ड आउट ऑफ बल्लारी इज कर्नाटका 31st डिस्ट्रिक्ट एक्ट, कैबिनेट गिव्स अप्रूवल। गाइस 31वां जिला बना है कौन? विजयनगर। किससे कट के यानी किससे बना है? बल्लारी डिस्ट्रिक्ट। गाइस बल्लारी आपको याद रखना नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका में है गाइस। बल्लारी एक जिला है जो सबसे बड़े जिलों में से एक है, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट। गाइस वहीं से अलग कट के बना है कौन सा शहर? विजयनगर। और जो कितने नंबर के कर्नाटका का स्टेट करें डिस्ट्रिक्ट, तो कितने नंबर का कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है? 31st नंबर का। गाइस बात है कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु एंड गाइस सीएम इज बी एस येदुरप्पा। गाइस गवर्नर इज वाजुभाई वाला। बेटू यहां से नेशनल पार्क आपको याद रखना है, आंसी, बैनरघट्टा, बांदीपुर, कुद्रेमुख, सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ के गाइस? सब कर्नाटका के। बेटू एक चीज और याद रखना, हतलारी एंड गाइस एक और याद रखना, यक्षगान। ये दोनों डांस फॉर्म कहाँ के हैं? ये दोनों डांस फॉर्म है कर्नाटका के। सो गाइस आपको याद रखना है, विजयनगर 31वां जिला बना है कर्नाटका का, किससे अलग होके? बल्लारी से। गाइस बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से अलग होके एक नया डिस्ट्रिक्ट बना विजयनगर, जो कितने नंबर का है? 31st नंबर का। गाइस देखते हैं, विजयनगर विच विल कॉर्ड आउट द बल्लारी से टू कर्नाटका 31st डिस्ट्रिक्ट आफ्टर कैबिनेट, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद बेटू ये डिसीजन लिया गया। चीफ मिनिस्टर बीएस येदुरप्पा हैड लास्ट ईयर अनाउंस, गाइस इन्होंने लास्ट ईयर अनाउंस किया था, ही विल सून प्लेस अ प्रपोजल बिफोर द कैबिनेट फॉर अप्रूवल ऑफ कार्विंग आउट विजयनगर डिस्ट्रिक्ट विच इज नेम्ड आफ्टर द कैपिटल ऑफ हिस्टोरिक विजयनगर एम्पायर। गाइस विजयनगर साम्राज्य आपको पता होगा, उसी के नाम पर बेटू ये विजयनगर डिस्ट्रिक्ट रखा गया है, जो किससे अलग किया गया है? तो बल्लारी से। गाइस किससे? बल्लारी जिले से अलग किया गया है किसको? विजयनगर को। नेक्स्ट पॉइंट, पुडुचेरी लॉन्चेस फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स नेम्ड आफ्टर एम करुणानिधि। गाइस एम करुणानिधि के नाम पर पुडुचेरी ने फ्री ब्रेकफास्ट योजना लॉन्च किया, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए। गाइज एम करुणानिधि के नाम पर फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च किया है किसने? तो पुडुचेरी ने। गाइज देखते हैं, द पुडुचेरी गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट अ फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, गाइज स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, नेम्ड आफ्टर द लेट डीएमके प्रेसिडेंट एम करुणानिधि फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल स्टूडेंट्स एट जीवन नंदन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। गाइस पुडुचेरी में लॉन्च किया गया, पुडुचेरी में यहाँ आपसे क्वेश्चन ये है कि हु इज द सीएम ऑफ पुडुचेरी। गाइस हम लोगों ने एक बार ये डिस्कस किया था, कुछ लोगों के जवाब थे कि सर पुडुचेरी में कोई सीएम नहीं होता,
और आपसे क्वेश्चन ये है, आपको कमेंट के लास्ट में बताना है हु इज द सीएम ऑफ पुडुचेरी गाइज। और बेटू याद करना, एम करुणानिधि के नाम के जो डीएमके के प्रेसिडेंट थे जिनका अभी निधन हो गया, इनके नाम पर एक फ्री में ब्रेकफास्ट सर्विस लॉन्च किया गया। कहाँ पे? तो गाइज याद करना, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फ्री में ब्रेकफास्ट सर्विस लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? पुडुचेरी गवर्नमेंट ने। गाइज आपसे क्वेश्चन ये है कि हु इज द सीएम ऑफ पुडुचेरी। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते बेटू बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। एचडीएफसी बैंक लॉन्चेस मुंह बंद रखो कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड्स। गाइज एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है मुंह बंद रखो कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड्स। साइबर फ्रॉड्स से साइबर फ्रॉड्स के अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, सो गाइज एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया मुंह बंद रखो। गाइज एचडीएफसी प्रेजेंट्स मुंह बंद रखो, अ फाइट अगेंस्ट बैंकिंग फ्रॉड्स एंड एंड कोविड-19। गाइज याद रखना, मुंह बंद रखो एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया। देखते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुंह बंद रखो, अ कैंपेन टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड्स एंड प्रिवेंटिंग देम। गाइज साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, जागरूकता के लिए और उनसे बचने के लिए, द बैंक विल बी कंडक्टिंग 1000 वर्कशॉप्स इन 4 मंथ्स अक्रॉस इन द कंट्री। गाइज 1000 वर्कशॉप इन लास्ट आने वाले 4 महीनों के लिए पूरे देश में, फॉलोइंग सिंपल स्टेप्स सच एज नॉट शेयरिंग कार्ड डिटेल्स CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू एक्सपायरी डेट OTP नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ओवर फोन्स SMS ईमेल एंड सोशल मीडिया कैन हेल्प जनरल पब्लिक कीप देयर मनी सेफ। गाइज ये सब कुछ सेफ रखना है, किसी को शेयर नहीं करना ये सारे डिटेल लाइक CVV। गाइज CVV क्या होता है? तो आपके डेबिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट का एक नंबर लिखा होता है, वही आपका CVV है। गाइज तो याद रखना, इट सपोर्ट द इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक 2020 द ग्लोबल मूवमेंट टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट फ्रॉड विच इज बींग हेल्ड November 15-21। गाइज याद रखना, नेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक चल रहा है ग्लोबली जो 15 नवंबर से 21 नवंबर तक है, उसको भी ये अवेयरनेस इसके लिए उसको भी ये सपोर्ट कर रहा है। किसने? कौन? तो मुंह बंद रखो कैंपेन जो किसने लॉन्च किया, HDFC बैंक ने, हेडक्वार्टर मुंबई। गाइज श्रीधरन मुंबई हेडक्वार्टर, श्रीधरन इज द हेड, जगदीश पुरी के जगह पर आए हैं, ठीक है। सो गाइज याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट क्यों मूव करते हैं। दीपम इंक्स एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के साथ दीपम का समझौता। दीपम का पूरा नाम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। गाइज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्ट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, दीपम साइन एन एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड बैंक। गाइज वर्ल्ड बैंक 1945 गाइज 1945 ब्रिटेन वुड्स कमिटी के रिकमेंडेशन पर, आया है वर्ल्ड बैंक। याद रखना 189 कंट्रीज इसकी मेंबर है। गाइज अंडर द एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक इज टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू डीपम फॉर एसेट्स मोनेटाइजेशन। डीपम इज मैंडेटेड विथ फैसिलिटेटिंग मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। गाइज याद करना, सीधा सीधा शौक सीधी एक बात, इतना याद करने की जरूरत नहीं। एसेट्स मोनेटाइजेशन के लिए किसने, दीपम ने किसके साथ टाई अप किया है, इंक्स एग्रीमेंट किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। गाइज वर्ल्ड बैंक के साथ दीपम ने एग्रीमेंट किया है, वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसके हेड कौन है? डेविड मालपास। गाइज याद करना 1945 ब्रिटेन वुड्स कमिटी, 189 कंट्रिया मेंबर है। गाइज याद करना। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व बैंक प्लेसेस लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड अंडर मॉरेटोरियम। गाइज रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को मॉरेटोरियम के अधीन रखा है। बेटू मॉरेटोरियम आपको पता है, अगर 3 महीने का मॉरेटोरियम लगता है, 1, 2, 3, तो गाइज आपको इन तीनों महीनों में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आपकी सिविल खराब नहीं होगी। याद होगा गाइज पैंडेमिक दरमियान जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था गाइज, उस समय हमारी बैंक RBI ने सभी बैंकों को मॉरिटोरियम कर दिया था, यानी कि सभी बैंकों को उसके अंडर में रखा था कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सभी कस्टमर्स को रखा था। बट बेटू यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक को ही मॉरिटोरियम के अंडर में रखा गया है। क्यों रखा गया ये समझते हैं। इन व्यू ऑफ इट्स वीक फाइनेंशियल, यानी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण RBI ने डिसीजन लिया, RBI ने प्लेस किया लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड अंडर मॉरिटोरियम।
लक्ष्मी विलास बैंक को बेटू मॉरिटोरियम के अंतर्गत रखा गया विद इमीडिएट इफेक्ट। गाइस इमीडिएट इफेक्ट द मॉरिटोरियम विल बी इफेक्टिव फॉर 30 डेज विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। गाइस जो डिपॉजिटर्स हैं जो जमा करता है उनके ब्याज उनकी जो उनका पैसा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके अच्छे से, इसलिए लक्ष्मी विलास बैंक को मॉरिटोरियम के अंतर्गत रखा गया उसकी वीक वित्तीय कंडीशन की वजह से। अकॉर्डिंगली आरबीआई हैज कैप्ड ऑल कैश विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक टू 25,000 रुपीज, यानी कि 25,000 रुपए क्या होगा केवल निकासी हो सकते निकाल सकते हैं। तो गाइस आपको याद करना, अभी क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है अभी आरबीआई ने रिसेंटली में किस बैंक को मॉरिटोरियम के अंतर्गत रखा है उसके वीक फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। सो गाइस याद रखना लक्ष्मी विलास बैंक, मेरे बच्चे आपको याद रखना है। और कितना लिमिट कर दिया सेट, 25,000 रुपए निकाल सकते हो कैश विड्रॉ कर सकते हो। गाइस याद रखना नेक्स्ट पॉइंट, ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्चेस सेविंग बैंक सेविंग्स अकाउंट फॉर वुमेन अपॉइंटमेंट्स स्मृति मंधाना एज ब्रांड एम्बेसडर। गाइस स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया और गाइस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया जिसका नाम है ईवा। क्या नाम है? ईवा। देखते हैं इक्विटास, इक्विटास का हेडक्वार्टर गाइस वैसे तो इंडिया लिखा होता है बट हेडक्वार्टर इसका कहां पे? चेन्नई में, जहां पे स्टैबिश है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट एम्ड एट Women, Eva. Eva, a unique savings account, tries to address the well-being of Indian women in every aspect, such as health, wealth, and prosperity. Guys, Eva launch kiya gaya. Eva is available for all women. Guys, ये केवल सभी महिलाओं के लिए। Salaried, चाहे वेतन यानी कि जो सैलरी पाती हैं, वेतन पाती हैं। Homemakers, गृहिणी, businesswomen, जो व्यवसायी हैं, senior citizens, यानी 60 साल के ऊपर वाले। ट्रांस वुमेन एज वेल एज नॉन रेजिडेंस वुमेन। गाइस ये विदेशी जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है उनके लिए भी है। ट्रांस वुमेन यानी जो गाइस ऐसे ट्रांसजेंडर बोलते हैं सेम वही चीज है। इन सबके लिए बेटू ये कौन सा स्कीम? ईवा। किसने लॉन्च किया? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ईवा अ यूनिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए कौन? स्मृति मंधाना, जो इंडियन फीमेल क्रिकेटर से इंडियन फीमेल क्रिकेटर गाइस पता ही होगा आप सबको, रन मशीन का नाम जाना जाता था इनको। गाइस बिजनेस एंड इकोनॉमी पे चलते हैं। फर्स्ट सोलर पावर्ड इनेबल टेक्सटाइल मिल इन एशिया टू कम अप इन परभनी महाराष्ट्र। परभनी महाराष्ट्र में गाइस पहला सोलर पावर इनेबल टेक्सटाइल मिल लगाया गया जो पूरे एशिया में पहला है। गाइस एशिया का पहला टेक्सटाइल मिल लगाया गया, जो पहला सोलर पावर इनेबल टेक्सटाइल मिल होगा। गाइस देखते हैं इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, सीएम इज उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत कोश्यारी। गाइस मुंबई से याद रखना काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। द फर्स्ट सोलर पावर इनेबल टेक्सटाइल मिल इन एशिया इज कमिंग अप इन परभनी डिस्ट्रिक्ट। गाइस परभनी डिस्ट्रिक्ट में लगा है। द प्रोजेक्ट वंस फंक्शन, गाइस ये प्रोजेक्ट ये योजना कार्य करने लगेगी, विल प्रोवाइड जॉब्स टू मेनी वुमेन इन द डिस्ट्रिक्ट। गाइस जॉब प्रोवाइड किया जाएगा बहुत सारी महिलाओं को जिले में। द जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल, गाइस जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल विल बी द फर्स्ट इन एशिया दैट विल ऑपरेट ऑन सोलर पावर। गाइस ये सोलर पावर से ऑपरेट होगा जो एशिया का पहला है। स्प्रेड अक्रॉस 30 acres ऑफ लैंड, गाइस जो 30 acres के लैंड में फैला हुआ है। द मिल विल प्रोसेस कॉटन टू क्लॉथ, गाइस जो कॉटन से कपड़े बनाए जाएंगे जो प्रोसेस करेगा। गाइस याद रखना पहला सोलर पावर इनेबल टेक्सटाइल मिल एशिया का कहां लगा है? परभनी डिस्ट्रिक्ट। कहां पर? महाराष्ट्र। गाइस अब आते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर बेटू, फटाफट चलते हैं, ज्यादा सेशन नहीं है बेटू आज। गाइस फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, गियानी इन्फेंटिनो, गाइस गियानी इन्फेंटिनो इज द हेड ऑफ किसके? फीफा के। गाइस हेडक्वार्टर इज ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कैंसल्स Women's Under 17, guys, Women Under 17 Football World Cup, India to host 22nd edition, guys, 2022 में India host करेगा क्या? Football World Cup, कौन सा? Under 17, अभी बेटू ये cancel किया गया, कहाँ cancel किया देखते हैं। The Women's Under 17 Football World Cup in India, which was initially postponed to next year, guys, postponed to next year due to COVID-19 pandemic.
वॉज कैंसल्ड बाई फीफा बट इंडिया वॉज हैंडेड द होस्टिंग राइट्स ऑफ 2022 एडिशन. गाइस याद रखना, इंडिया को 2022 का क्या दिया गया है, होस्ट करने के लिए बोला गया है अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप का. गाइस द फीफा कैंसल्ड बोथ द वुमेन अंडर 17 वर्ल्ड कप एंड अंडर 20 वर्ल्ड कप विच वेयर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन इंडिया. बेटू ये दोनों इंडिया में होने वाले थे, दोनों को क्या कर दिया गया, इंडिया और कोस्टारिका में होने वाला था, दोनों को कैंसिल कर दिया गया रिस्पेक्टिवली बट हैंडेड बोथ द कंट्रीज द होस्टिंग राइट्स ऑफ 2022 एडिशन. बेटू 2022 वाले एडिशन में ये दोनों होस्ट करेंगे अपना अंडर 20 और अंडर 17. गाइज याद रखना कहां कहां होने वाला था, इंडिया और कोस्टारिका, जिसको उठा के पटक दिया गया 2022 के लिए. गाइज अब आते हैं बेटू इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर. इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर बात करें हम, क्या मार्टायर बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी विल बी सेलिब्रेटेड एज ट्राइबल प्राइड डे इन एमपी. गाइज शहीद बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी जन्म दिवस गाइज विल बी सेलिब्रेट किया जाएगा एज ट्राइबल प्राइड डे, आदिवासी गौरव दिवस. बेटू आपको पता होगा, हमने आपको हमेशा से बोला है बिरसा मुंडा का नाम आए पहला चीज तो ट्राइब जनजाति, और मेरे बच्चे दूसरा चीज आपको याद रखना है क्या, वो चला जाएगा झारखंड. गाइस याद रखना वो कहां चला जाएगा, झारखंड. ठीक है, प्राइड इन एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल. एंड गाइस सीएम इज मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान. एंड गाइस गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल. ठीक है बिटू आपको पता होगा कान्हा कूनो पन्ना पेंच ये सब के सब कहां पे बच्चे, एमपी में. सो गाइस एमपी मनाएगा ट्राइबल प्राइड डे बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी पर. गाइस ये आपको ये मत सोचना ये मामा जी हैं, ये हैं आप कौन, तो ये हेमंत सोरेन साहब जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के से जो सीएम बने हैं बिटू आपको याद रखना है, तो ये हेमंत सोरेन का अधिकार है. बट बिरसा मुंडा आपको याद रखना है बिटू, इन्होंने जनजाति के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी, इसलिए बेटू याद रखना इनके जन्म दिवस पर आदिवासी गौरव दिवस के तौर पर मनाई जाएगी. देखते हैं चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गाइस मामा जी चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान सेड दैट मध्य प्रदेश वाज सेलिब्रेटेड ट्राइबल प्राइड डे टू कॉमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मार्टायर बिरसा मुंडा हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल. गाइस याद रखना इन्होंने ब्रिटिश के दरमियान इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, अपने जान को त्याग दिया. गाइस जैसे कि कह सकते उन्होंने त्याग किया है, हु सैक्रिफाइस ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेटेड पंद्रह नवंबर को ऑब्जर्व किया गया था एट ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इंक्लूडिंग भोपाल. सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में यानी जितने जिला हैं सभी जिला मुख्यालय में. एंड गाइस इंक्लूडिंग कहाँ पर, भोपाल में भी ये किया गया था. किसने मनाया, मामा जी ने, शिवराज सिंह चौहान ने. ट्राइबल प्राइड डे किसके जन्मदिन पर, तो बिरसा मुंडा का 15 नवंबर. अब आते हैं बेटू फटाफट देख लेते हैं एमसीक्यूज को. गाइस आज आपको लग रहा होगा सेशन बहुत छोटा है, बट बेटू सेशन छोटा इसलिए है क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है. गाइस आपको बता दें आपका कोई नुकसान ना हो बेटू, इसलिए मजबूरी था रिकॉर्डेड सेशन लेके आने की. सो गाइस आप लाइव रहना, आप पूरा सेशन देखना, बहुत छोटा सेशन होगा गाइस. सो आप इसके लिए पैनिक नहीं होना है कि यार इतना छोटा सेशन और तो और लाइव नहीं आए. तो बेटू जैसे ही यहाँ इंटरनेट सही होता है सब कुछ ओके कर देते हैं, ठीक है, डोंट वरी. सो पहला क्वेश्चन आपके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIS. गाइस रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया, नंदन नीलेकणी, विकसाल सिक्का, क्रिस गोपाल कृष्ण एंड और नारायण मूर्ति. सो मेरे बच्चे इट्स करेक्ट आंसर इज क्रिस गोपाल कृष्णन. गाइस क्रिस गोपाल कृष्ण ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बेटू याद रखना सी इज द करेक्ट आंसर. सी क्रिस गोपाल कृष्णन को बनाया गया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का चेयरपर्सन. गाइस रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का चेयरपर्सन. नेक्स्ट पॉइंट, पीएम मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द स्टैच्यू ऑफ पीस इन विच स्टेट. गाइस पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया स्टैच्यू ऑफ पीस इन विच स्टेट, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार. सो गाइस याद रखना इट्स करेक्ट आंसर इज राजस्थान. राजस्थान की कैपिटल जयपुर. बेटू जयपुर इंडिया का दूसरा शहर है जो जिसको यूनेस्को
हेरिटेज में रखा गया है। गाइज आपको याद रखना है जयपुर पिंक सिटी, एंड गाइज याद रखना जयपुर, अशोक गहलोत एंड गवर्नर इज कलराज मिश्र। बेटू ये या आपको याद रखना है, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट भरतपुर बर्ड सेंचुरी, दर्रा और क्या है, केवला देव, रणथंबोर, सबके सब कहाँ के हैं ये सब के सब कहां से हैं? राजस्थान से बेटू, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ दीज बैंक हैज लॉन्च द न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म निवेश। गाइज निवेश नाम का नया न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म इनमें से किसने लॉन्च किया? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया, डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक या एसबीएम बैंक इंडिया। गाइज याद रखना इट्स करेक्ट आंसर इज एसबीएम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसबीएम? तो बेटू आपको याद रखना स्टेट, मेरे साथ बोलते चलना, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। गाइज मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस, एंड करेंसी इज रुपया। गाइज मॉरिशस की अभी सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन, मॉरिशस या मालदीव्स, ये आपको जवाब देना है। अभी पीएम मोदी ने किस जगह के सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, ये आपके लिए क्वेश्चन है, जवाब देना। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। गाइज नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट एवर सोलर पावर इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल्स ऑफ एशिया इज बींग सेटअप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गाइज सबको पता होगा, महाराष्ट्र, परभणी डिस्ट्रिक्ट, परभणी, परभणी, परमणि, परमणि पढ़ते हैं, परभणी, परभणी मरते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम इज उद्धव ठाकरे, गाइस गवर्नर इज भगत सिंह कोश्यारी। अभी तो आपको मुंबई से याद रखना काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, गाइस याद रखना आपने भी टू ये सारी चीजें। बिटू लावणी इज द डांस फॉर्म ऑफ कहाँ का? एम महाराष्ट्र। गाइस एक चीज और याद रखना, टडोबा, टडोबा बोर, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? बिटू महाराष्ट्र में, याद रखना गाइस। नेक्स्ट पॉइंट, दीपम हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिसीव एडवाइस ऑन एसेट्स मोनेटाइजेशन? वर्ल्ड बैंक, एडीबी, न्यू डेवलपमेंट, एआईआईबी। सो गाइस याद रखना इट्स करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बिटू वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। गाइस एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, बीजिंग, ए आई आई बी चाइना है, यानी गाइस ये और ये दोनों चाइना से हैं, ये है मनीला फिलीपींस। और ये वास यूएसए। गाइस याद करें वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक डेविड मालपास, हेड इज डेविड मालपास, हेड इज डेविड मालपास। गाइस याद करना 189 कंट्रियां, ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म दोनों लोन प्रोवाइड करता है। गाइस नेक्स्ट पॉइंट, विच बैंक हैज लॉन्च द ईवा सेविंग्स अकाउंट फैसिलिटी फॉर द वुमेन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री? गाइस इनमें से किस बैंक ने ईवा सेविंग अकाउंट फैसिलिटी लॉन्च किया है वुमेन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, महिलाओं के लिए, महिला आबादी के लिए? आईडीएफसी फर्स्ट, ईएसएएफ, स्मॉल फाइनेंस, करूर वैश्य बैंक या इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक? गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई। अभी तो आपको पता होगा ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है इसने। सो गाइस ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्मृति मंधाना। गाइस ये बच्चे याद रखना मेरे बच्चे, स्मृति मंधाना ब्रांड एम्बेसडर किसकी है? ईवा सेविंग अकाउंट, यानी कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। सो गाइस आपको याद रखना है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो बेटू आज के लिए फिलहाल इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये सेशन, हम आई नो कि आपको ये सेशन बहुत छोटा लगा होगा, ओनली 23-25 मिनट। सो गाइस जो भी हो आपको ये सेशन लाइक कर देना है, कुछ भी करके फटाफट लाइक का बटन ठोक देना। गाइस जो नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लाइव नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस आज का जो सेशन है बेटू इंटरनेट इंटरनेट इशू की वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है लाइव,
इसलिए हम आपको रिकॉर्डेड सेशन शेयर कर रहे हैं। गाइज आपको बिटू विश्वास नहीं होगा बट रात के अभी 2 बज रहे हैं एक्चुअल। सो इसलिए यहाँ पे शेयर कर रहे हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए, प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑलरेडी कल में हम लोगों की क्लासेस बंक हो चुकी हैं, रात वाला भी सेशन चौपट हुआ था। सो बेटू इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम आपको कल वाला क्लास का पीडीएफ और आज का पीडीएफ हम दोनों शेयर कर दे रहे हैं। सो गाइस डोंट वरी, इसके लिए करंट के दोनों पीडीएफ शेयर कर देंगे, अब सारे कुछ आपको अपडेट हो जाएगा। सो गाइस रात में आज चलेगा बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज, बैंकिंग अवेयरनेस के क्लासेस होंगी आपकी बेटू। सो गाइस लाइव आना ना भूलना। आई होप सो कि आज पूरा क्लास आज इंटरनेट हो जाएगा सही, क्योंकि उनके कहा उन्होंने बताया कि उनके कहीं पर आग लग गया था और इसीलिए पूरा इंटरनेट बैठ गया, चौपट हो गया, तार वार जल गया, दिस दैट फलाना दिमका बहुत सारी बातें हैं, जो भी है डजंट मैटर। सो गाइस याद रखना हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। सो बेटू आप लाइव आओ रात के 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एम टू से। सो गाइस रात में मिलते हैं, ओके, नॉट गुड नाइट, ओके, बाय, टेक केयर।